आप सबका दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं दिकी डोलमा डोलमा किचन से। आज की जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है कढ़ाई पनीर। बहुत इजी रेसिपी है, एक बार इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए। पहले ले लेंगे हम एक कढ़ाई, उसे गरम कर लेंगे। उसके बाद उसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल के। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल को गरम होने देंगे। ये है साबुत लाल मिर्च, मैंने यहाँ 2 मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया जिसे दरदरा कूट लिया है। तेल गरम होने के बाद इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च, इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया, इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक, जब तक इसमें धनिया की फ्राई होने की खुशबू आने ना लगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 6 बड़े टमाटर जिसे मैंने पहले चॉप कर रखा हुआ था। अब टमाटर को भी हम हल्का तेल में अच्छे से भून लेंगे, और एक बार जब टमाटर अच्छे से भून जाएंगे उसमें हम डाल देंगे 7 से 8 कलियां लहसुन के, इसे भी अच्छे से भून लेंगे टमाटरों के साथ। और इसे हमें ढककर पकने के लिए छोड़ देना है 5 से 6 मिनट के लिए। फिर चेक कर लेंगे 6 मिनट के बाद टमाटर और लहसुन पक चुके हैं, तेल भी ऊपर आ गया है। इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक का। उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कढ़ाई मसाला। इस कढ़ाई मसाले के इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। अब मसालों को अच्छे से पका लेंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। फिर इसमें डाल देंगे सब्जियाँ। मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम हरी शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज टमाटर, 2 मीडियम साइज प्याज। अब हरी सब्जियों को मसालों के साथ मिला लेंगे, सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है। फिर डाल देंगे 250 ग्राम डाइस किया हुआ पनीर, इसे भी सब्जियों और मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे जब तक सब्जियां और पनीर अच्छे से मसालों के साथ कोट ना हो जाए। फिर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, और एक बार इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से सब्जियों में कोट हो जाए। लास्ट में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी एक बार फिर मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो इसे रोटी या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये बनकर तैयार हो गई है हमारी कढ़ाई पनीर। आपने देखा ही होगी, बहुत इजी रेसिपी है। और ऐसी और रेसिपी जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।